हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश सन्नल और आप देख रहे हैं अबाउट कंप्यूटर्स। मेरे इस चैनल पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे सर्वर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में और इस बहुत सारे टेक्निकल रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो और एक बात दोस्तों, अगर मेरा वीडियोस के बारे में आपका कोई क्वेरीज हो और आप कुछ भी जानना चाहते हो इस कोई भी वीडियो के बारे में, तो आप मेरा इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कोई भी वीडियो के नीचे पे। तो चलिए दोस्तों, इस शॉर्ट मैसेज के बाद चालू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पलाश सन्नल है और आप देख रहे हैं अबाउट कंप्यूटर। आज के इस टॉपिक में आपको दिखाना चाहते हैं कि आप नॉर्मली एक HTML पेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग जब जाते हैं कोई भी एक वेब पेज में, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है, कि बहुत सारा मैसेजेस आता है कि वो हम जब प्रिंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो भी प्रिंट हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो अगर प्रिंट हो, उस मैसेज को हम डिलीट करना चाहते हैं कि वही किसी भी वो एडवर्टाइजमेंट पेज आ जाता है हम लोग के। इसलिए हम लोगों का क्या होता है कि पेज बहुत सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम प्रोसेस आपको दिखाना है कि तो उस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक HTML पेज को जिसमें बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको कॉपी कर सकते हो और वो एडवर्टाइजमेंट पेज भी आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए, मैं कोई भी गूगल पे जाकर सर्च किया हूँ तो यहाँ पे सर्वर एडमिन लिख के और यहाँ पे विकिपीडिया खोल दूँ। देखिए, विकिपीडिया में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो छोटा ही है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन है। तो इतना इन्फॉर्मेशन में इस प्रोफेसर के लिए आप अगर इसको नॉर्मल कंट्रोल पी करते हैं तो ये पूरा पेज आ जाता, दो तीन पेज हो जाता। तो ये सब जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पे आ जाता। तो हम नहीं चाहते हैं कि सर्वर का जो नॉर्मल ये जो छोटा सा है इसको ही हमको चाहिए। तो इसके ये मेरा एक पेज में आ जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल अगर आप कंट्रोल प्रिंट करके तो आपका पूरा पेज नहीं आता। तो अभी देखिए, हम यहाँ पर एक वेबसाइट है जो है printfriendly.com। तो वो printfriendly.com से आप ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिए URL का ऑप्शन बोल रहा है। तो यहाँ पे पूरा आप URL को राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और वहाँ पे उस वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, देखिए जनरेटिंग हो रहा है। तो देखिए, अभी मेरा उतना बड़ा जो वेब पेज था HTML वो इतना छोटा सा पेज में आ गया। अभी वो आप एक ही पेज में प्रिंट आउट कर सकते थे और आप चाहते हैं कि कोई भी एक कुछ भी चीज़ डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे देखिए कहीं भी ले जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लिक टू डिलीट आ रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि वो चीज़ मतलब आपका शो ना करे, वो चीज़ नहीं चाहते। अगर कोई भी अगर नॉर्मल चीज़ आ गया है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो और वहाँ पे प्रिंट देने से देखिए आपका प्रिंट आ गया और वहाँ पे उतना बड़ा पेज एक पेज में, मतलब नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप इस वेबसाइट को यूज करके आप एक नॉर्मल पेज प्रिंट कर सकते हैं, जो वहाँ पे आपका पेज भी ख़राब नहीं होगा और आपका पेज भी बहुत सारा बच जाएगा। तो इस तरह से कोई सी भी वेबसाइट को आप वेबसाइट का HTML पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो आप YouTube पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।